अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ते में बन रहा है अब्दुल का पैन केक। आज उसने पैन केक खाना है, तो बस वही मिक्सर को पानी में घोल के डब्बे में बना बनाया मिक्सर होता है डब्बे वाले, मिक्सर को पानी में इस तरह बाउल में डाल के घोल के इस तरह से इसका आसानी से ना हम पैन केक बना लेते हैं। ये देखें, कोई पैन केक की कोई टेंशन ही नहीं है। इसको इस तरह से ऑयल गरम करें या बटर डाल लें या घी डाल लें, कुछ भी डाल के इसको इस तरह से इसमें डाल दें। तो ये जल्दी से हमारा जो पैन केक है ये बन जाएगा। बड़ी आसानी है कि बना बनाया बैटर लो। घर पे भी बैटर बना सकते हैं, वो भी आसान है, वो भी किसी दिन मैं बनाऊँगी, लेकिन मैं ये बना बनाया ले आती हूँ। बड़ी आसानी से ये बन जाता है। ये देखें बबल बबल आ गए हैं, इसको पलटेंगे थोड़ा सा तो पैन केक तैयार। तो यहाँ पर जी अब्दुल का पैन केक हो गया है तैयार। ये देखें जी कितना यमी यमी सा पैन केक बना है। तो जी अब इस तरह से लगाएंगे कट, उत्ते पावांगे सीरप, जिन्ना तुसी सीरप पाना चाहते हो पा लो। ये जी अब देते हैं अब्दुल को। अब्दुल यहाँ पे बैठा हुआ है इंतज़ार में नाश्ते के। ये लो जी, ये अब खाएगा जी पैन केक। अब मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता, वो करूँगी फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें कैसे उसको लदा लदा कर रहा है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को नाश्ता देने के बाद मैंने अपनी चाय बना ली है। तो यहाँ पर मैं आज नाश्ते में चाय पी रही थी क्योंकि आज मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के फौरन बाद ना बर्तन धोने का काम शुरू हो जाता है। बर्तन धुले हो ना तो मैं कहती हूँ सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। आज मैं क्या फटाफट बर्तन धो लिए क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाना था। मैं कह चलो फिर फारिग हो के ना फिर कुछ ना कुछ और काम करेंगे। शादी से पहले मुझे ये बड़ा ही काम मुश्किल लगता होता था। मैं इतनी थी ना, मैंने कहना कि सारे काम करा लो पर बर्तन न धोवाओ। शादी के बाद जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से बस ना बर्तन ही बर्तन होते हैं, भांडे ही धोलो बस, भांडे नहीं मुकदे। तो यहाँ पर कि बर्तन मैंने धो लिए हैं, तो ये देखें जी ये काम मुक गया है। तो चलें जी बर्तन हमारे धुल गए हैं, आप कोई और काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी हो गई है जी शुरू वॉक बाहर। बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है, क्लाउड्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें साइकिलों पे साइकिल बच्चे चला रहे हैं। ये देखें का वेदर कितना अच्छा है। इस तरह की ग्रीनरी ग्रीनरी ना शाम के टाइम बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है। निकली थी वॉक करने, तो ये देखें रात ही हो गई है, तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया है, बच्चे खेल रहे हैं अभी। ये देखें सब लोग बाहर ही निकले हुए हैं, मगरिब का टाइम है। मैंने कहा चल के जाके नमाज़ पढ़े, बच्चे खेल रहे हैं तो अब मैं घर जाऊँगी। घर जा के तो फिर नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ के फिर चाय पीऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ जी घर। अस्सलामुअलैकुम जी, घर आके वॉक करके मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अब मैं चाय के साथ बना रही हूँ स्नैक। तो यहाँ पर जी आप कह रहे होंगे कि मैं ये क्या आलू ग्रेट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आलू ग्रेट कर रही हूँ आज बच्चों के स्नैक बनाने के लिए, और शाम की चाय के साथ इस तरह की चीज़ें आजकल हों ना तो बड़ी मज़ेदार लगती हैं। तो जी आज हम आलूओं से बनाते हैं बच्चों के मज़ेदार से स्नैक्स, जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और वैसे भी आप पार्टी वगैरह में भी बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये बड़े मज़े के ये वेज पोटैटोस बच्चों के स्नैक बनते हैं। तो इसके लिए जी आलूओं को ग्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आलूओं के ये जो मोटे मोटे पीस होते हैं ना ये नहीं आने चाहिए। ये देखें कितने ज़बरदस्त ग्रेटर से आलू ग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आलूओं को ग्रेट कर लूँगी।
यहाँ पर देखें जी, आलूओं को मैंने कर लिया है इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट। अब इसमें कुछ मैं वेजिटेबल्स भी डालूंगी, जिसमें मैंने ली है ये गाजर, और ये थोड़ी सी बंद गोभी ली है, और ये मैंने यहाँ पर लिए हैं मकई के दाने। मैंने छली पड़ी थी मेरे पास, मैंने उसको बॉयल करके ना उसके ये इस तरह से दाने उतार लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को ना मैं डालूंगी चॉपर में और इनको चॉप कर लूंगी, क्योंकि अब्दुल जो है वो ये बारीक बारीक काट के डालूँ ना तो वो खाता नहीं है। अगर आपके बच्चे भी इस तरह वेजिटेबल्स नहीं खाते तो उनको ये स्नैक्स बना के दें, बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं और उन्होंने पता भी नहीं चलता केड़ी केड़ी सब्ज़ी पाई है। तो इनको मैं करके लाती हूँ चॉप, फिर इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इसमें सारी वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं, गाजर, बंद गोभी और जो कॉर्न थे यानी मकई थी वो भी मैंने चॉप कर ली है। तो ये देखें, पता चल रहा है इसमें कोई वेजिटेबल्स हैं। तो अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते, इस तरह करके उनको बना कर दें, ये आलू के साथ मिक्स करके आप इसके पराठे भी बना लें, आलू की टिक्की भी बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के देंगे ना मज़ेदार सी, तो बच्चे लंच बॉक्स खाली करके आएंगे, उनके लंच बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो अब जी इसमें ये मैं डाल दूँगी प्याज, धनिया और पुदीना, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और इसका जो प्याज़ों का पानी था ना वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि पानी मैंने इसलिए निकाल दिया है कि ये बाद में बड़ा स्टिकी सा हो जाता है बैटर, और फिर इसके ना जो हमने ये बनाने हैं ना स्नैक, वो इसके सही नहीं बनते, तो इसलिए मैंने इसमें से ना पानी निकाल दिया है प्याज़ों का। तो इसके साथ ही इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए। ये देखें जी, कॉर्नफ्लावर हमने डाल दिया, कॉर्नफ्लावर हमने सिर्फ इन चीज़ों को बाइंड करने के लिए डाला है, ताकि हमारे जो स्नैक है ना वो फ्राई करते हुए टूटे ना। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर जी अब इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल देते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चों ने खाने हैं तो बच्चे तो ज़्यादा आपको पता है स्पाइसी नहीं खाते। तो इसमें मैं डालूँगी जी 1/2 टीस्पून नमक का, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने इसमें ना सब्ज़ मिर्चें भी नहीं डाली, क्योंकि फिर ना मेरा अब्दुल नहीं खाता, वो मिर्चें लगा रहता है। थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी चाट मसाला, चाट मसाला अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इन स्नैक्स में। तो थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें सुरख मिर्चें, थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्चें, थोड़ा सा डालूंगी इसमें ज़ीरा, और थोड़ा सा इसमें डालूंगी सूखा धनिया, थोड़ी सी इसमें डाल दें कसूरी मेथी। तो ये लें जी मसाले हमने डाल दिए हैं, अब सब मसालों को ना अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स के साथ, पोटैटो के साथ। यहाँ पर नहीं काम बन रहा चम्मच से, मैं हाथ से ही इनको मैश करूँगी, सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। ऐसे बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते ना, बच्चों को ऐसे बना के दें, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां डाली हैं। आप इसमें वो भी डाल सकते हैं शिमला मिर्च भी, शिमला मिर्च का ना फ्लेवर मेरे बेटे को बड़ी जल्दी पता चल जाता है, इसलिए मैंने इसमें ना शिमला मिर्च नहीं डाली। तो यहाँ पर देखें जी, अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और ये हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल मिक्स हो गया है जितना हमें चाहिए था। अब मैं थोड़ा सा लगाऊंगी अपने हाथ को इस तरह से ऑयल, और इसमें से इतना बैटर लूंगी, यानी जितना का आप बनाना चाहते हैं ना, क्या कहते हैं गोल गोल, आप इसको इसकी बॉल इस तरह से इसको गोल गोल बना लें। ये देखें इतना सा बैटर मैं लूँगी इसमें से, और इसको अपने हाथ पर रख के बाद में इसको इस तरह से हम बना के इसके अंदर अब मैं डालूँगी जी इसको चीज़ी बनाने के लिए मोज़रेला चीज़। ये इस तरह से लेके चीज़ को इस तरह करके, मेरे पास क्यूब्स नहीं थी तो मैं क्या चलो यही पा देने हैं थोड़ी थोड़ी ना इधर, तो आपने इसको इस तरह से दरमियान में रख के और इसको इस तरह से इसको आलूओं को बंद कर देना है ऐसे ऐसे, और आपने इसको इस तरह से गोल गोल दोबारा से हाथ को ऑयल लगा के इसको इस तरह से आपने बॉल बना लेना है। ये देखें ऐसे ऐसे लड्डू बना लो इन्हां दे, बच्चियां नू दबोगे ना जदों बच्चे खोल के खाणगे विचों चीज़ी चीज़ी,
निकलेंगे तो बच्चियाँ ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। ये देखें इस तरह से हम इनके ये बॉल बनाते जाएंगे, जो कि बच्चों को चीज़ी बॉल जो है ना बड़ी मज़े की लगती हैं, और वेजिटेबल्स का बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये ना साड़ियाँ मामा ने की पाया हुआ है। ये देखें इसको इस तरह से बंद कर लें अच्छे तरीके से, ये ऐसे इसके बॉल बनाते जाएंगे। इसको मैं ऐसे बना बना के रखती जाऊंगी। तो यहाँ पर देखें जी, हमने अपनी सारी बॉल जो हैं ये स्नैक्स की ये सारी बना ली हैं। अब हम इनके ऊपर कोट करेंगे, सबसे पहले मैदे का। फिर मैंने ये मैदा लेकर, बिल्कुल सादा मैदा, उसमें पानी डालकर इसको इस तरह से मैंने घोल लिया है और इस तरह इसकी थिक सी पेस्ट बना ली है। तो पहले हम इन सबको ये जो मैदा है उसमें सारा कोट कर लेंगे एक एक उठा के। ये देखें इस तरह से ऐसे कोट कर लें इसको, सारे जितने भी हैं हमारे, और सारा मैदा इस तरह करके इसको हिला हिला के इस तरह सारा मैदा इसका उतार दें, ऐसे सारे इस तरह कोट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने इनके ऊपर सादा मैदा जो है ये सारी बॉल्स के ऊपर कोट कर लिया है। अब मैं ये जो बैटर बनाया है मैंने मैदे का, बिल्कुल सादा मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप एग बीट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग अंडा नहीं खाते, उनको एलर्जी है या वो वेजिटेरियन है, तो वो ये इस तरह से मैदा घोल के इनके ऊपर कोट कर लें। तो यहाँ पर साथ ही मैंने ये लिए हैं ब्रेड क्रम्स, मैंने दो ब्रेड्स लेके, दो तीन ब्रेड्स लेके उनके इस तरह से चॉपर में डाल के इनको मैंने क्रम्स कर लिया है। तो मैं बिल्कुल हमेशा ऐसे ही ना बिल्कुल फ्रेश क्रम्स लगाती हूँ। आप चाहें तो जो बॉक्स वाले होते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ना यही वाले लगाती हूँ। और यहाँ पर ये एक बॉल उठा के इसको हमने इस तरह से मैदे से कोट करना है, हल्का हल्का सा इस तरह कोट करना है इसको, इस तरह से बाद में उठा लेना है निकाल के। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारा है ब्रेड क्रम्स, इसमें डाल देंगे इसको, और इस तरह से अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखें ऐसे ऐसे बिल्कुल इसको करके ऐसे इसको करते जाएं, तो ये सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं ये हमारी बॉलों के साथ जो हैं ये चिपक जाएंगे। ये देखें ऐसे आपने ब्रेड क्रम्स लगाते जाना है। तो इसी तरह से ये सारे करके इनको फिर फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर जी सारी बॉल्स को मैंने ब्रेड क्रम्स का और मैदे का कोट कर लिया है। अब ये तैयार हैं जी ऑयल में जाने के लिए और फ्राई होने के लिए। तो चलें जी अब इनको करते हैं फ्राई, फिर मज़े से इनको बैठ के खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितने मज़े के बने हैं। तो अब करते हैं इनको फ्राई। तो यहाँ पर जी पैन में ऑयल डालकर मैंने कर लिया है इसको गरम, दूसरी तरफ मैंने रख दी है अपने लिए चाय। अब करते हैं अपनी ये बॉलें फ्राई। तो ऑयल मेरा अच्छे तरीके से गरम हो चुका है, ये देखें अब इसमें एक एक करके ये डालते जाएंगे। यहाँ पर जी मैंने सारी जो बॉलें हैं उनको डाल दिया है ऑयल में। अब इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इनको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर देखें जी मैंने इनको सबको पलट दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर और लाइट ब्राउन सा करूँगी, फिर इनको निकाल लेंगे, क्योंकि आलू आपको पता है हमारे पके हुए हैं और इसको ज़्यादा पकाने की फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लाइट ब्राउन सा कलर हमने देना है और अपनी बॉलों को निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर देखें जी हमारी जो बॉल्स हैं वो सारी हो गई हैं फ्राई। अब हम इनको एक एक करके निकालते जाएंगे। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है, हमने इनको ऐसा ही कलर देना है, इनको अब निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये देखें जी कितनी चीज़ी और कितनी मज़े की ये तैयार हुई हैं, क्रंची। और ये देखें चीज़ी बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं, ये बच्चों को बना कर दें, ये देखें बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं, बहुत मज़े की ये बनती हैं।
बच्चों को आप बनाकर दें ऐसी बॉल, बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। मेहमान घर में आ जाए ना तो सारी चीज़ें आपको पता है घर में मौजूद ही होती हैं। हमारे तो वैसे यहाँ पे बता के ही आते हैं, तो हम लोग तो इसी तरह ना कुछ जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। साथ ही मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, क्योंकि इस तरह की शाम की चीज़ें बनी हो ना तो चाय के बगैर तो इनका मज़ा नहीं आता ना। तो मैंने कहा चलो साथ में चाय पियेंगे, साथ में ये बैठ के खाएंगे। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।